Hello everyone. Part 2 is all about academic reports. For example, let's take an example of English. The first page, what do you think about this subject? आपने कुछ सोचा होगा उस सब्जेक्ट के बारे में. Your thoughts on that particular subject. That's just about your interest in the subject. Your class teacher, your subject teacher will come to know that what do you think about that particular subject. So it's just a kind of introduction. Then comes academic performance in English. Monthly test 1 में आपको कितने marks मिले थे, 2 में, 3 में, 4 में, PT1, PT2, PT3. You can write down the marks of pre-board 1, pre-board 2, pre-board 3 as well. उस subject के अंदर आपने बहुत सारी activities की होगी, उस activities के नाम और उसके सामने उसका ग्रेड या तो फिर मार्क्स, यू कैन पुट इट डाउन. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर एंड गेट इट साइन बाय योर सब्जेक्ट टीचर एट द एंड. देन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांटेड टू पुट एंड दैट इज मोस्ट लाइक टॉपिक्स. सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आती है. सो वट यू कैन डू इज दैट यू कैन लिस्ट आउट दोज थिंग्स. आप उस जो चैप्टर आपको पसंद आया, उस चैप्टर का नाम और क्यों पसंद आया, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, आप वहाँ पर उस टॉपिक्स के नेम्स लिख के लिस्ट आउट करके उसके बारे में आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. देन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ देयर माई एक्टिविटीज, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, मल्टीपल असेसमेंट. इन सारी चीज़ों में आप लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होती हैं, तो उस एक्टिविटीज़ का फोटोग्राफ लगाकर उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है. एक्टिविटी नंबर 1 आपने क्या की थी. आपने मान लीजिए कि कोचिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था, आपने कोई स्ट्रीट प्ले किया था, आपने कोई रोल प्ले किया था, तो वीडियो ड्राइव पर अपलोड करके उसकी लिंक भी वहाँ पर दे सकते हो और एक आध फोटोग्राफ वहाँ पर अपलोड कर सकते हो. एंड देन यू कैन राइट इट डाउन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट डिस्क्रिप्शन. आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की है, इफ़ यू हैव डन 4 एक्टिविटीज़ यू कैन राइट इन अबाउट 4 एक्टिविटीज़, इफ़ यू हैव डन 6, 7, 8 यू कैन कीव ऑल दोज रिकॉर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग. आफ्टर दैट वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज अदर अचीवमेंट्स. उस सब्जेक्ट में आपके टीचर ने जो काम कराया, आपने जो स्कूल में किया, उसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ओलंपियाड्स होते हैं, अदर कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विज़ होते हैं. अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड एंड यू हैव गॉट सम स्कोर, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो और वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो. इससे आपके क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को पता चलेगा कि हाउ हार्ड यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसके बारे में भी पता चलता है. समटाइम्स यू डोंट टर्न अप टू योर क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर एंड टेल देम, इन्फॉर्म देम अबाउट दोज थिंग्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वहाँ पर लिखो, ताकि व्हेनेवर इट कम्स इन द नोटिस ऑफ योर क्लास टीचर, वो उसको पढ़ेंगे एंड देन कम टू नो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सब्जेक्ट के अंदर. वन मोर थिंग इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माई डिज़ायर, माई विश और माई एक्सपेक्टेशन. बहुत बार टीचर्स आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं, एक्टिविटीज़ देते हैं, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ और भी करना है. जनरली वो एक्टिविटीज़ शायद आपके टीचर्स ने सजेस्ट ना की हो, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पर लिख सकते हो. जैसे मान लीजिए कि आपको स्ट्रीट प्ले करने का शौक है, यू आर वेरी गुड एट एक्टिंग ड्रामा, यू आर वेरी मच स्किल्ड इन दैट, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि यू वॉन्ट टू डू अ स्ट्रीट प्ले ऑन सर्टेन टॉपिक्स. आपके टीचर पढ़ेंगे तो वो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म के अंदर आपको वही टॉपिक दे दे, जिससे आपकी स्किल को तराशा जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, और आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, यू विल गेट बेटर मार्क्स ओवर देयर एज़ वेल. सो इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लास्ट में टीचर्स रिमार्क. आपके पूरे पोर्टफोलियो को पढ़ने के बाद आपका सब्जेक्ट टीचर आपको रिमार्क्स देंगे, वहाँ पर अपनी सिग्नेचर पुट करेंगे एंड ही विल गिव यू ग्रेड्स एज वेल. ये जो हमने सारी उस सब्जेक्ट के बारे में, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस के बारे में जो भी बताया, वो सारे के सारे आप
रिपीट कर सकते हो अपने सारे सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैंने ये इंग्लिश का बताया, आप आगे जाकर मैथ्स में सेम यही सेम पैटर्न के साथ फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो द सेम पैटर्न इन साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। इस तरीके से आप इस पोर्टफोलियो को बना सकते हो। इसके अंदर कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है कि और कुछ ऐड करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, बिकॉज दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने का मन करे, यू कैन डू दैट। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हैव हेल्प्ड यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।